नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे ग्लूकोमा की। ग्लूकोमा एक बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है जो आई की होती है और जो आपके विजन को भी जाने में बहुत बड़ा एक रीज़न होती है। 60 साल की उम्र के ऊपर ये ज़्यादा पाई जाती है और यह पेनफुल भी बहुत होती है। हम आपको बताएंगे ग्लूकोमा को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं, वो दवाएं जो आपके ग्लूकोमा में लाभ देने में सहायक हो सकती हैं। हो सकती, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यह एक क्रॉनिक कंडीशन है, खतरनाक कंडीशन है, तो आप अपने चिकित्सक की सलाह, ग्लूकोमा अगर डायग्नोस हो तो अवश्य लें। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं ग्लूकोमा होता क्या है। ग्लूकोमा साथियों आपके आई की वह कंडीशन होती है कि जिसमें जब आपका एक्वस ह्यूमर जो आई में फिल्ड होता है अंदर, वहाँ उसका एक्सेस हो जाता है और उसके एक्सेस होने से आपकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है। ऑप्टिक नर्व वो नर्व होती है जो सारे आईज के सिग्नल जो हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, यह सिग्नल ब्रेन तक पहुँचाती है। तो ग्लूकोमा में यह नर्व डैमेज हो जाती है। जब ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है तो ही आप ग्लूकोमा की कंडीशन में आते हैं। बात कर लेते हैं साथियों सिम्टम्स की, ग्लूकोमा के सिम्टम्स की। ग्लूकोमा के सिम्टम्स को समझने के लिए हमें टाइप ऑफ ग्लूकोमा में जाना पड़ेगा। पहला होता है साथियों ओपन एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल ग्लूकोमा में आपको सिम्टम आता है कि आपको ब्लड विजन होता है और टनल लाइक विजन होता है, बिना एक गुफा के माफिक आपको विजन रोल होता हुआ दिखता है, वह होता है ओपन एंगल ग्लूकोमा। दूसरा होता है क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, यह साथियों बहुत खतरनाक होता है, जिसमें आपको ब्लड विजन आ जाता है, ऑब्जेक्ट के अराउंड आपको हेलोस दिखने लगता है, आपके सीवियर हेडेक होने लगता है, इस तरह तमाम दिक्कतें होने लगती हैं। यह सिम्टम्स होते हैं ग्लूकोमा के। बात कर लेते हैं साथियों ग्लूकोमा के कारण की। ग्लूकोमा तब होता है जब आपके एक्वस ह्यूमर का, आपके आई के अंदर जो यह फ्लूइड भरा होता है, इसका प्रेशर बढ़ जाता है। एक्वस ह्यूमर साथियों एक फ्लूइड होता है आपकी आई के अंदर, जो कि कॉर्निया और आयरिस के बीच में जो स्पेस होता है उससे लगातार ड्रेन होता रहता है, बाहर जाता रहता है। जब आपका यह जो ट्यूबरकुलर मेश नेटवर्क होता है आपकी आई में, जो इस फ्लूइड को बाहर करता है, वह जब कम एक्टिव हो जाता है, हाइपो एक्टिव हो जाता है, या फ्लूइड आपका ज़्यादा बनने लगता है, किसी भी कारण से फ्लूइड ड्रेन नहीं हो पाता है, तो यह प्रेशर क्रिएट करता है जो ऑप्टिक नर्व को डैमेज करता है। तो यही जो आपका प्रेशर का ना बाहर आना है और प्रेशर बन जाना है, फ्लूइड का ना बाहर आ पाना है, कॉर्निया और आयरिस के जंक्शन के पास से निकल पाना है, इसी स्थिति को ग्लूकोमा को रिजल्ट करता है, जिसमें कि आपकी ऑप्टिक नर्व डैमेज होती है। होम्योपैथी में साथियों कारगर दवाएं हैं ग्लूकोमा की, लेकिन यह जो मेडिकल एलोपैथिक सर्जरी या दवा का विकल्प नहीं है। आप दोनों दवा साथ तो कर सकते हैं, लेकिन केवल होम्योपैथी पे आप डिपेंड नहीं रह सकते। मैं आपको यह बताना चाहूँगा, आपको जो आपका एलोपैथिक डॉक्टर, हम आई स्पेशलिस्ट नहीं हैं, हमने तो जनरल होम्योपैथी पढ़ी है, तो जो आप, क्योंकि ये सर्जिकल केस है, जो आपका एलोपैथिक डॉक्टर कहे आप उस पर विशेष ध्यान दें, उसको फॉलो करें। अगर वो कहे तो साथ में आप ये होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं। बहुत कारगर दवाएं साथियों, हम आपको बताते हैं 10 दवाएं जो आपके ग्लूकोमा को, स्थिति को कंट्रोल करने में और ठीक करने में सहायक हो सकती हैं। साथियों नंबर एक दवा जो होम्योपैथी में ग्लूकोमा की है, वह है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस साथियों उस स्थिति में बहुत कारगर दवा है ग्लूकोमा की, जब आपकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रही हो, आपका विजन ब्लर्ड हो रहा हो, धुंधला हो रहा, आपकी जो आईसाइट है, जो आपकी नज़र है, वो धुंधली हो रही हो, अगर और आपकी आंखों में बहुत थकान आपको लग रही हो, अगर यह सिम्टम आप में है तो आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस फॉस्फोरस है। इसकी 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर आप वीकली ले सकते हैं। यह आपके ब्लड विजन, आपके ग्लूकोमा दोनों को ठीक करने में मदद करेगी। फॉस्फोरस के मरीज में एक और सिम्टम होता है साथियों, उसे ठंडी चीज़ें खाना बहुत पसंद होता है और शाम के वक्त उनकी तकलीफें बढ़ती हैं। अगर यह सिम्टम है तो फॉस्फोरस आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस है। एक सिम्टम साथियों ग्लूकोमा में आता है कि आपको ग्लूकोमा की दिक्कत है, आपके जो सर का दर्द है वो गर्दन पर से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है,
आपके सर की तरफ बढ़ रहा है, तो आपको ग्लूकोमा है और आपके हेडेक हो रहा है जो कि आपकी गर्दन से ओरिजिन हुआ है और ऊपर की तरफ आया है। अगर ऐसी स्थिति आप अपने में देखते हैं तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है जलसीमियम सेमीपरवाइना। जलसीमियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। यह दवा आपके सर के दर्द को भी ख़त्म करेगी और आपके जो यह ग्लूकोमा की दिक्कत है इसको भी ख़त्म करेगी। एक सेंसेशन साथियों, ग्लूकोमा में किसी को आ सकता है कि आपकी आईज बहुत भरी भरी सी लग रही हैं, भारीपन लग रहा है, कुछ बड़ी सी लग रही है। अगर यह स्थिति आप में हो ग्लूकोमा की, तो इसको मैनेज करने की बहुत अच्छी दवा है कोमोक्लेडिया। आप कोमोक्लेडिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपका आईज में जो हैवीनेस आ गई, जो आईज आपकी एनलार्ज लग गई, जो प्रेशर अंदर बहुत ज़्यादा है, उसको ख़त्म करने में मदद करेगी और आपको ठीक करने में भी मदद करेगी। एक स्थिति साथियों आती है जब आपके ग्लूकोमा हो सकता है, साथ में आपके पेट में जलन हो सकती है और आपकी जो पलकें हैं उनमें पपड़ी पड़ सकती हैं। तो अगर यह स्थितियाँ हों तो उन स्थितियों में ग्लूकोमा को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है सल्फ़र। आप सल्फ़र 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। यह आपकी आँखों की जलन को भी ख़त्म करेगी, आपके पेट की जलन को भी ख़त्म करेगी और आपकी ग्लूकोमा को भी ठीक करने में सहायक होगी। सल्फ़र मरीज साथियों, उसको मीठा खाना बहुत पसंद होता है, नहाना उसको पसंद नहीं होता है, रात भर ऐसा मरीज जागते हैं, सुबह सोते हैं। तो अगर इस तरह के सिम्टम आप में हैं तो सल्फर आपका ड्रग ऑफ चॉइस हो सकती है। एक स्थिति साथियों ग्लूकोमा की कंडीशन में आ सकती है कि आपको तमाम सिम्टम अचानक आ रहे हों, कभी आपकी लाल हो जाती हो आँखें, कभी आँख में बहुत तेज दर्द होने लगता हो, कभी आँखों से पानी आने लगता हो। अगर ये सडन ऑनसेट है, लाइक अ स्टॉर्म, अचानक सडन आना और सडन जाना, अगर इस तरह का सिम्टम आप में है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है बेलेडोला। आप बेलेडोना 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपकी आईसाइट को भी ठीक करेगी और आपके ये जो सडन सिम्टम्स आ रहे हैं इनको भी खत्म करेगी। एक सिम्टम साथियों आता है जब आपके ग्लूकोमा की स्थिति हो और आपके साइटिका हो और आपके पेट में गैस बहुत भरती हो। अगर यह सिम्टम्स आप में हैं और आपको ग्लूकोमा है, यानी आपके साइटिका है और पेट में गैस बनती है और आपको ग्लूकोमा है, तो उस स्थिति से निपटने की बहुत अच्छी दवा है होम्योपैथी में ग्लूकोसिंथ और आपको ग्लूकोमा से भी निजात दिलाएगी। ग्लूकोसिंथ 30 आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार ग्लूकोमा की कंडीशन में साइटिका के साथ यदि हो तो ले सकते हैं। एक साथियों कंडीशन आती है, अगर आपकी आई का ओक्यूलर प्रेशर बढ़ गया है, आपको ग्लूकोमा है, तो आपको ऑब्जेक्ट के कलर बदलते नज़र आ रहे हैं। तो यह जो चेंजेबिलिटी है कलर्स में कि आपने जिस एंगल से देखा उस एंगल से अलग कलर लगा, अगर यह सिम्टम आप अपने ग्लूकोमा की स्थिति में देखते हैं तो इसको ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है ऑस्मियम। आप इसको 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपका यह जो चेंजेबिलिटी है कलर्स की, कलर चेंज इन जिस एंगल देख रहे हैं उधर से अलग रंग दिख रहा है, सतरंगे रेनबो की तरह आपको रंग दिख रहे हैं, तो ऑस्मियम उसको ठीक करके आपके ग्लूकोमा को मैनेज करने में हेल्प करेगी। एक स्थिति साथियों आती है, आपके ग्लूकोमा की कंडीशन हो और आपकी पलकें इतनी सूज गई हों आप आँखें भी ना खोल पा रहे हो, अपनी आईलिड्स को ओपन भी ना कर पा रहे हो, तो अगर यह समस्या आपके सामने है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है बोरेक्स। आप बोरेक्स 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। यह दवा आपकी आईलिड्स को भी ठीक करेगी, उसकी सूजन को भी ख़त्म करेगी, आपके आँख खुलने की दिक्कत को ख़त्म करेगी और आपके ग्लूकोमा को भी ठीक करेगी। एक स्थिति साथियों किसी के सामने आ सकती है कि आपको कभी चोट लगी हो, आपके इंजरी हुई हो और आपके ग्लूकोमा हो गया हो, तो अगर आपको हिस्ट्री रही हो इंजरी की या अभी अभी आपको कभी लगी हो उसके बाद आपको डॉक्टर ने ग्लूकोमा डायग्नोस करना हो, तो उसको कंट्रोल करने की, मैनेज करने की बहुत अच्छी दवा है होम्योपैथी में फाइटोस्टिग्मा। आप फाइटोस्टिग्मा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके इंजरी के, आपके ऑप्टिक नर्व पे बुरे नुकसान को नलीफाई करके आपको ठीक करने और ठीक बने रहने में मदद करेगी।
एक और दवा साथियों जो आपके लेफ्ट आई में पेन होने की, ग्लूकोमा के रहते हुए पेन होने की या उसके बिना भी पेन होने की समस्या की दूर करने की दवा है, वह है स्पाइजीलिया। अगर आपके लेफ्ट आई में पेन हो रहा है ड्यू टू ग्लूकोमा या ड्यू टू माइग्रेन, तो स्पाइजीलिया मदद करेगी। यह दवा के सेवन से 30 पावर में 2-2 बूंद 3 बार आपको आराम मिलेगा आपके आई के पेन में और ग्लूकोमा में भी। एक साथियों स्थिति आ सकती है, ग्लूकोमा में सिम्टम आ सकता है कि आपके राइट आई में पेन हो रहा हो। अगर ऐसी स्थिति है कि आपकी राइट आई में पेन हो रहा है ग्लूकोमा के कारण, तो उसको ठीक करने की, एटलीस्ट कंट्रोल करने की बहुत कारगर दवा है प्रूनस स्पाइनोजा। आप प्रूनस स्पाइनोजा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपके राइट आई में ग्लूकोमा के कारण बहुत ही भयंकर दर्द हो रहा हो, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, बर्स्टिंग टाइप पेन हो रहा हो, तो ग्लूकोमा विल हेल्प यू। यह प्रूनस स्पाइनोजा विल हेल्प यू इन ट्रीटिंग द ग्लूकोमा। अगर साथियों आपकी लेफ्ट आई में बहुत बर्स्टिंग टाइप पेन हो रहा है ग्लूकोमा के कारण, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है सेड्रॉन। आप सेड्रॉन 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। यह ग्लूकोमा के कारण आपका जो लेफ्ट आई में पेन हो रहा है उसको ठीक करने में मदद करेगी। एक स्थिति आती है साथियों, आपके ग्लूकोमा की कंडीशन हो और आपकी जो आईलिड्स हैं, जो आंखों की पलकें या सूज गई हों, तो अगर यह स्थिति हो साथियों, आपके ग्लूकोमा की कंडीशन हो और आपके आईलिड्स सूज गई हों, उसमें गाँठें पड़ गई हों, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा और आपके ग्लूकोमा को मैनेज करने की होम्योपैथी में दवा है हिपरसल्फ्यूरिस और ग्रेफाइटिस। हिपरसल 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले लें और ग्रेफाइटिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। यह दोनों दवा मिलकर आपकी इस समस्या को खत्म करने में सहायक होंगी। एक स्थिति साथियों आती है, आपके ग्लूकोमा की कंडीशन हो, आपकी पलके अंदर की तरफ पलट गई हों। अगर यह स्थिति आप में है, आप में ग्लूकोमा है और आपकी आई लैशेज इन्वर्ट हो गई हैं, तो उस स्थिति को ठीक करने की, आपके ग्लूकोमा को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है पल्सेटिला नाइग्रा। आप पल्सेटिला 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। यह दवा आपकी आईलिड्स के इन्वर्जन को ख़त्म करेगी और आपको ठीक करेगी। ये साथियों कुछ दवाएँ थी ग्लूकोमा को ठीक करने की। मैं आपको एक बार यहाँ फिर बता दूँ, ग्लूकोमा एक बड़ी क्रॉनिक कंडीशन है जो आपकी आईसाइट को भी ख़त्म कर सकती है, तो यह दवाएँ आपके लिए सपोर्टिव मेडिसिन है, मदद के लिए दवाएँ, जानकारी के लिए दवाएँ। लेकिन कोई भी दवा आपको किसी कुशल चिकित्सक से पूछकर ही लेनी है। आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, या यूट्यूब नोटिफिकेशन पर अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। आपकी बात का संतोषजनक जवाब देने में हमें खुशी होगी। आप हमारे साथ इतनी देर रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन करूंगा साथ में साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर, अपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।